Women like Kalpana Saroj are rare and truly a nation's pride. From being a daughter from an underprivileged background and a child wife armed with just basic education, she went on to become a successful entrepreneur and a devoted social worker. She grew her business empire from 3 to 7 companies with a net worth of more than 1,000 crores under the Kalpana Saroj Group. Today, she is here to share with us her story in person. Please welcome the amazing Kalpana Saroj. नमस्ते. आज की इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर, मीडिया, बहनों और भाइयों, आज मुझे इस प्रोग्राम में मैंने जिस तरह की ज़िंदगी जी है उसकी उस जर्नी के बारे में बात करने के लिए कहा गया है. भाई और बहनों, जब ज़िंदगी जीने की बारी आती है तो मुश्किलें तो हर किसी की ज़िंदगी में आती है. मुश्किलें को सिवा शायद ज़िंदगी है ही नहीं. और जब मुश्किलें तय करनी होती है तो बड़ी ही दिक्कतें आती है, लेकिन इंसान वो जो हर मुश्किलों को फेस करे, आगे बढ़े, इसी का नाम शायद ज़िंदगी है. खैर, मेरी अपनी ज़िंदगी की बात अगर करनी जाए तो मुझे जीने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे पास, क्योंकि जहाँ से मैं चली थी वहाँ पे जैसे मेरे अपने दादाजी एक मज़दूर थे जिन्होंने अपने बेटे को सातवीं कक्षा तक की पढ़ाई दी और जो एक पुलिसमैन बन गए, जो मेरे अपने पिताजी थे. तो मैं एक पुलिस हवलदार की बेटी और एक दलित समाज से आई हुई लड़की जिसको बहुत सारा पढ़ना था, एजुकेशन में आगे जाना था, लेकिन उस वक्त की जो स्थिति थी, उस वक्त का जो समाज में जो व्यवस्था थी, तो मैं पढ़ नहीं सकी. मेरी समाज ने, मेरे घर के लोगों ने कहा कि नहीं, लड़कियों को पढ़ाना करना क्या है, चूल्हे और चक्की के सिवा है क्या ज़िंदगी में आखिर लड़कियों के, तो इसके लिए जितनी जल्दी शादी कर दी जाए उतना ही ठीक है. मैं सातवीं कक्षा में थी उसी वक्त मेरे मामा जी ने रिश्ते लाए और कहा कि लड़कियों को, मेरे पिताजी नहीं चाहते थे क्योंकि मेरे पिताजी पुलिसमैन में थे और वो ज़िंदगी को देख रहे थे, वो चाहते थे कि लड़कियाँ पढ़ लिख कर आगे बढ़े, लेकिन मामा जी नहीं चाहते थे और उन्होंने, मैं सातवीं कक्षा में पढ़ रही थी उसी वक्त मेरी शादी करवा दी. बदकिस्मती से शादी भी सक्सेस नहीं रही और मेरे पिताजी आकर मुझे फिर वापस अपने गांव ले गए. गांव ले जाने के बाद में उन्होंने कहा कि एक बुरा सपना समझ के आप भूल जाओ और अपने पढ़ाई पे ध्यान दो. लेकिन इतना आसान नहीं था जितना कि पिताजी ने सोचा था. स्कूल में जाने के बाद में वही जो मेरी सहेलियाँ हुआ करती थी वो मुझे चिढ़ाने लगी. समाज का हर इंसान उसके नज़रों में जैसे सवाल था कि क्यों और कैसे मैंने अपना ससुराल छोड़ दिया, मतलब मैं कितनी बुरी हूँ कि मैं ससुराल छोड़ के अपने मायके चली आई हूँ. जबकि समाज व्यवस्था ऐसी थी कि लड़की ब्याही ज़रूर जाती है, उसकी अर्थी चाहे निकल जाए लेकिन वो इस तरह लौट के नहीं आ सकती है. और मैं सही सलामत पिताजी के घर चली आई तो ये समाज कहीं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था. हर किसी के नज़रों में सवाल था. फैमिली के जितने भी मेरे थे, बुआ है, चाचा है, मामा जी है, वो सारे लोग मेरी माँ को टॉर्चर करते थे. तो इस तरह की जो ज़िंदगी है वो बहुत असह्य सी हो गई थी और मैंने ये सोचा कि मैं नहीं जी पाऊँगी ऐसी ज़िंदगी, मुझे नहीं चाहिए. किसी की नज़र में मेरे लिए प्यार नहीं, किसी की नज़र में मेरे लिए इज़्ज़त नहीं, तो फिर ऐसी ज़िंदगी क्या करूँगी मैं. और वैसे भी मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद खैर हो ही गई. ना ही मैं अच्छा एजुकेशन ले सकी, जबकि पढ़ने लिखने में मैं काफ़ी होशियार थी, बहुत पढ़ना चाहती थी, वो नहीं हो सका. और फिर इस तरह की ज़िंदगी नहीं चाहिए और मैंने पॉइज़न पी लिया. लेकिन बदकिस्मती देखिए कि मैं उसमें भी मर नहीं सकी. जब मुझे होश आया, डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से मुझे बचाया, तो जो भी मुझे देखने के लिए आता तो वो यही कहता कि ये क्या किया था तुमने, अगर तुम मर गई होती तो सोचो तुम्हारे पिताजी की इज्जत का क्या होता. कहने का मतलब यह है कि उस वक्त भी किसी को भी मेरे मरने से या मेरे जीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था. मेरा दर्द क्या है, मेरा दुख क्या है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं थी. हाँ, मेरे पिताजी की इज्जत का क्या होता, समाज में क्या क्या कहते, कैसे मुंह दिखाते, ये सवाल सबके ज़बान पे था. तो ये जो बात है वो मेरे दिल की गहराई तक पहुंच गई कि ये क्या बात हुई, मेरे दर्द का किसी को एहसास तक नहीं है.
हर कोई ये चाहता है कि मैं मर जाती तो पिताजी का इज्जत का क्या होता। तो तब मैंने ये सोचा कि अगर मर के भी लोग ये कहेंगे कि पिताजी की इज्जत का क्या होता, तो फिर मुझे जीना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तभी मैंने सोच लिया कि मुझे जीना होगा। फिर मैंने अपने माँ बाबा को कहा कि ठीक है, मैंने काफ़ी कोशिश की थी उस वक्त कि मैं कहीं कोई नौकरी कर लूँ, तो मेरे पास एजुकेशन भी कम था, उम्र भी कम थी। सो मैंने सोचा कि मैं पुलिस की बेटी थी इसलिए सोचा पहले तो मैं पुलिस में ज्वाइन कर लूँ, वहाँ पर भी नहीं हो पाया। मैंने सोचा चलो मैं नर्स बन जाती हूँ, लोगों की सेवा कर पाऊँगी, वहाँ भी नहीं सक्सेस हुई मैं। मैंने सोचा चलो मैं मिलिट्री ज्वाइन कर लेती हूँ, कम से कम देश के काम आ जाओगी, वहाँ भी नहीं हो पाया। फिर मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई रास्ता था ही नहीं जीने के लिए, लेकिन जीना तो है। तो फिर मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है, मैं सिलाई सीख लेती हूँ। मैंने ये सोचा अगर एक ब्लाउज, उस वक्त एक ब्लाउज सिलने के 10 रुपये मिल जाते थे, मैं दिन में 2-3 ब्लाउज सिल लूँगी तो 20-30 रुपये तो खैर कमा ही लूँगी। मेरी बाबा की पगार उस वक्त 300 रुपये थी, तो बाबा 300 कमा लेते हैं तो मैं एटलीस्ट 800-900 रुपये कमा लूँगी। तो ये सबसे अच्छा लगा मुझे और मैंने सिलाई सीख ली। सिलाई सीखने के बाद में वहाँ पर भी उतना काम जितना मैंने सोचा था मिल नहीं पाया, और फिर मैंने सोचा कि चलो मुंबई ही जाना पड़ेगा, शायद यहाँ पर बहुत कुछ करने के लिए है, बहुत सारे मिल्स है, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, कहीं ना कहीं किसी प्राइवेट कंपनी में मैं ज्वाइन कर लूँगी या कोई काम कर लूँगी। पर माँ बाबा मुझे मुंबई भेजने के लिए तैयार नहीं थे, एक जवान लड़की है किस तरह से कहाँ भेजे, ये एक सवाल उनके सामने था। लेकिन मैंने कहा उनसे कि अगर आप नहीं कहोगे तो अभी अभी मैंने पॉइजन पिया था और अभी मैं ट्रेन के नीचे चली जाऊँगी, तब फिर आप बचा भी नहीं पाओगे शायद मुझे, तो मुझे जाना ही होगा। तो मेरी माँ कहने लगी कि ये लड़की पागल हो गई है और इसके दिमाग पे वैसे ही पागलपन सवार है शायद, अगर इसको ज़िंदा देखना है तो इसको मुंबई भेज देना चाहिए। तो मुंबई किसके पास भेजेंगे, तो यहाँ मेरे चाचा जी रहा करते थे दादर में, दादर में एक झोपड़पट्टी थी, वहाँ पे एक चाचा जी मेरे रहा करते थे जिनको आँखों से बहुत कम दिखाई देता था, लेकिन वो एक पापड़ बेच के अपना गुजारा कर लेते थे। तो मैं उनके पास चली आई, तो चाचा जी को भी ठीक नहीं लगा कि ये झोपड़पट्टी एरिया है, जवान लड़की है, कहीं कल ऊंच नीच हो गया तो भाई को क्या जवाब देंगे, मतलब हर किसी को अपनी इज्जत की पड़ी रहती थी। सो उनको भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि मजबूरी है, इसको रखना होगा वरना ये लड़की वाकई अपनी जान का फिर कुछ कर लेगी। तो उन्होंने, एक उनके दोस्त थे रेलवे में, ड्राइवर थे, दादर में रेलवे क्वार्टर्स थे वहाँ पर वो रहते थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी है, आप इसे अपने पास रख लीजिए प्लीज़, क्योंकि मैं बाहर चला जाता हूँ, ऐसे झोपड़पट्टी एरिया में मैं नहीं रखूँगा। तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, मेरी 3 बेटियाँ हैं, चौथी ये भी रह लेगी, मेरे हमारे पास रख लो, और मैं उनके साथ रह ली। लेकिन उन्होंने पूछा कि करना क्या चाहती हूँ, मैंने कहा मुझे नौकरी कहीं पर लगवा दीजिए, आता क्या है, तो मैंने कहा मुझे टेलरिंग का कोर्स मैंने किया है तो मैं ऐसा कोई जॉब कर लूँगी। तो उन्होंने लोअर परेल में, मुंबई में लोअर परेल में सनमिल कंपाउंड में मुझे एक होजरी की कंपनी में काम पे लगाया। मैं काम पे तो चली गई, लेकिन मुझे काम करना आता, मतलब वो मशीनें सारे मैंने देखी, और जब मुझे एक मशीन दी गई, कहा एक काम करो, तो मैं डर गई थी, ऐसे डर गई थी क्योंकि एक छोटे से गांव से आई थी, मैंने ये सारे माहौल देखा नहीं था, लड़के लड़कियाँ साथ में काम कर रहे, इतने सारे लोग हैं उनके बीच मुझे बैठना है, काम करना है, मैं कैसे करूँगी। तो मशीन मुझसे चली नहीं रही थी, तब भी मुझे बड़ी ज़ोर से दाड़ दिया उस जो भी इंचार्ज था, उसने कहा आता कुछ नहीं, कहने लगी मैं कारीगर हूँ और मैं मशीन कर चलाना जानती हूँ, चलो उठो भागो यहाँ से, हमारे पास कोई काम नहीं तुम्हारे लिए। मैंने रो दी, मैंने गिड़गिड़ाई उनके सामने कि मुझे कोई भी काम दीजिए, मैं काम के लिए यहाँ आई हूँ। तो उन्होंने कहा ओके कोई बात नहीं है, तुम्हें काम चाहिए, हेल्पर का काम कर लो, धागा काटने का काम है, यहाँ पे ये धागा काटो, इससे ये तो आएगा कि नहीं तुमको। मैंने कहा हाँ मैं ये कर लूँगी। उसका 60 रुपये महीना और 2 रुपये रोज था, और मैंने उसको कबूल कर लिया क्योंकि मैं तो काम के लिए खैर आई थी। सो मैंने वो करना चालू कर दिया, लेकिन मुझे अपने आप पर बड़ा गुस्सा आने लगा कि ये क्या बात हुई, मैं काम के लिए आई हूँ, मुझे काम करना है और मैं काम करना नहीं आ रहा है मुझे, मैं मशीन चलाना बहुत अच्छे से जानती हूँ लेकिन हुआ क्या है मुझे। लोग जब जैसे ही लड़के लड़कियाँ बाहर टी टाइम और लंच टाइम के लिए जाती थी, मैं धीरे से मशीन पर बैठ के मशीन चलाना चाहती थी, ये मशीन चलाना मुझे आती क्यों नहीं, लेकिन मशीन चलाना तो आती थी, डर था दिमाग में जो नहीं जा रहा था। 2-4 दिन ये प्रैक्टिस की और मैंने सोचा मैं मशीन चला सकती हूँ, और मैंने उस
उससे कहा जो इंचार्ज था कि मैं मशीन चलाना जानती हूँ, मुझे कपड़े दीजिएगा, मैं सिला लूँगी। और उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आप मैं आपको एक महीना यहीं पे काम करना होगा क्योंकि आपका हेल्पर के लिए मतलब लिखा गया है। मैंने एक महीना काम किया, एक महीने के बाद में मैं जब मशीन पर बैठी तो मैंने मशीन चलाना बहुत अच्छे से जानती थी, मैंने कपड़े सिले और 225 रुपये मैंने उस वक्त कमा लिए। मैंने अपने ज़िंदगी में 100 की नोट उस वक्त पहली बार देखी थी, क्योंकि बाबा तो 300 रुपये कमाते थे, कभी देखने का कोई चांस मिला ही नहीं था। लेकिन अपने कमाई के खुद के पैसे 225 रुपये मैंने उस वक्त कमाए और मुझे बहुत खुशी हुई कि अब मैं काम कर सकती हूँ। तो इस तरह से मेरी जर्नी जो है स्टार्ट हुई और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं काम करने लगी हूँ और मैं अपना पैसा कमाने लगी हूँ। मुझे बड़ी मुश्किलें थी, मैं मुंबई में बहुत पहली बार आई थी, मैं नहीं जानती थी कि इतने बड़े बड़े रास्तों पे मैं कैसे चलूँगी, ट्रेन में बैठ लोकल ट्रेन में मैं कैसे बैठूँगी। कहीं बार लोकल ट्रेनों से मैं गिरी, कहीं बार औरतों ने सीढ़ी बना के नीचे उतरे। तो इस तरह की जर्नी मेरी शुरू हुई। ये करते हुए करीबन 1.5-2 साल बीते थे कि मेरे बाबा की नौकरी चली गई। बाबा की नौकरी जाने के बाद में बहन भाइयों का, माँ बाबा का, सबकी जिम्मेदारी मेरे सर के ऊपर आ गई, क्योंकि हमारे पास तो ना रहने के लिए घर था बाबा के पास में और ना ही कोई। जब तक नौकरी थी बाबा को बहुत अच्छे से लोग सब झेल रहे थे क्योंकि नौकरी थी। नौकरी जैसे ही चली गई तो मेरे मामा कहने लगे कि घर में हमारे जितने भी मतलब गाय भैंसे हैं उनको चरा के लाइए, तब कहीं जाके रोटी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके दिन अच्छे हैं तो सभी कोई पूछते हैं, अगर आपके दिन बुरे आ गए तो कोई पूछने को भी तैयार नहीं। तो मेरी फैमिली का क्या होगा, तो मैंने कहा कि आप मुंबई आ जाइए, हम लोग सब मिल के काम करेंगे हम लोग यहाँ, और ज़िंदगी को, ज़िंदगी बस इसी का नाम है, बस इतना ही हमारा लिमिट है, ऐसे ही हमें जीना है, इतनी ही पगार आएगी, उसमें चाहे हमें कहीं दिन के भूख पैसे मतलब गुजरना पड़े, कहीं दिन हमारी चूल्हे ना जले, लेकिन ओके बस यही एक ज़िंदगी है, उसी के साथ में चलना है। और हम चल भी रहे थे, कहीं दिन भूखे पैसे रहते थे, कितनी बार ट्रेन के लिए बस के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे तो चेंबूर से लेकर कुर्ला तक पैदल चला करते थे और ज़िंदगी गुजर रही थी। पर एक हादसा ऐसे हो गया, मेरी बहन बीमार हो गई और वो जीना चाहती थी, कहती थी कि मुझे जीना है और मेरे पास तो पैसे इतने हैं ही नहीं कि मैं उसका ट्रीटमेंट कर सकूं, और गवर्नमेंट की तब कोई ऐसे स्कीम भी नहीं थे जैसे कि आज के ज़माने में इतने सारे स्कीम निकले हुए हैं। तो मेरी बहन तड़प तड़प के मर गई और मैं उसे बचा नहीं पाई। तब मेरे दिल ने कहा कि नहीं, मैं अपने फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ और फिर कल कोई और बीमार हो जाए, कोई और मर जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। मैं अपने माँ बाबा, अपने बहन भाइयों से प्यार करती हूँ बहुत, और उसी में कि एक बहन मेरी गुजर गई, तो मुझे पैसे कमाने चाहिए। तो ये पैसे आएंगे कहाँ से, कौन देगा मुझे पैसे, मैं कैसे कमाऊँ पैसे, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है, क्या करूँगी मैं। कहीं मैंने सुना कि गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है जिसमें से लोन लिए जाते हैं, अगर ये लोन हम लेंगे तो शायद हम कुछ कर पाएंगे। तब मैंने सोचा कि चलो ठीक है, हम कुछ लोन ले लेते हैं, और मेरे पास एक टेलरिंग के सिवा तो और कोई हुनर था ही नहीं, तो मैंने कहा कि चलो मैं एक बुटीक स्टार्ट कर दूंगी, शायद मैं कुछ कमा लूंगी इसमें से। और मैंने बहुत मेहनत की क्योंकि पेपर कैसे बनाने हैं नहीं पता है मुझे, किस तरह से लोन मिलता है नहीं पता, खाली सुना है। तो फिर कोई कार्यकर्ते होते, उनके दरवाजे जाना, उनको कहना कि मेरी मदद कर दो, वहाँ तक मुझे ले जाओ जहाँ लोन मिलता है, पर कोई मदद नहीं करता है किसी की। कई बार जाके दरवाजे पे बैठे रहे, पता चला कि चलो हम लोग मतलब एससी है तो एससी एसटी के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले का एक लोन है, वहाँ से शायद मिल जाए। और मैंने वहाँ कोशिश की, मुझे 50,000 का वहाँ से लोन सैंक्शन हो गया। वो लोन लेकर मैंने सोचा चलो मैं 2-4 मशीनें खरीद लूँगी और मैं अपना स्टार्ट कर दूँगी बुटीक का। लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ फर्नीचर का जो बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छा चलता था, तो मैंने सोचा चलो हम फर्नीचर वाला बिज़नेस कर लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ टेलरिंग में 150 कमाने से अच्छा होगा अगर मैं 50,000 रुपये एक साथ मुझे मिल जाएगा तो ये उससे अच्छी ज़्यादा बात हो जाएगी। तो मैंने फर्नीचर का बिज़नेस स्टार्ट किया। वहाँ जब गोदरेज का कपाट अगर हम बनाते थे तो 8,000 करीबन उस वक्त उसकी कीमत थी, लेकिन हम लोकल में अगर कपाट बनाते तो 2,500-3,000 रुपये उसके मिल जाते थे, लेकिन एक कपाट के पीछे अगर हम चाहे तो 1,500 रुपये आराम से मिल जाते थे। तो मेरे दिमाग में ये आया कि ये बिज़नेस करना ज़्यादा अच्छा है और मैंने फर्नीचर का बिज़नेस स्टार्ट किया। लेकिन इसी के साथ मैंने ये सोचा कि मेरे बहुत सारे यूथ जो है, जो मेरे जैसे है, जिनके पास में नौकरी नहीं है, तो उनके घर के चूल्हे कैसे जलते होंगे, और अगर उसको नौकरी नहीं मिली तो उसके साथ में बहुत सारी दिक्कतें होती होगी घर में। अगर वो वापस आता है, माँ बाप पूछते होंगे कि तुझे नौकरी मिली या नहीं मिली, तो ऐसे दिक्कतों से अच्छा है कि मैं उनके लिए भी कुछ करूँ। और मैंने एक संगठन बना दी, सुशिक्षित बेरोजगार युवक संगठन, जिस संगठन का यही एक काम था कि बैंक से उनको लोन दिलाना, और अगर वो लोन लेकर
बिजनेस नहीं करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सिफारिश करके उनको नौकरी दिलवाना। तो ये काम हमारी संगठना ने शुरू कर दिया और उस संगठना के साथ साथ काम करते हुए मेरा अपना बिजनेस भी स्टार्ट था, यहाँ पे लोगों के लिए भी काम करती थी। और ये करते हुए फिर बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी ये बात लगी कि उनके बच्चे जो है वो जो आवारागर्दी करते फिरते थे लोग उनका गैर फायदा लेते थे, जैसे कि बच्चे लोग अगर घर की ज़रूरतें पूरे नहीं हुई तो बहुत सारे बच्चे क्राइम भी करने लग गए थे, क्रिमिनल बन जाते थे। तो हमारे इस संगठन की वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चे लोगों से छूट गई। बहुत सारे लोग अब नौकरी भी क्या, उस वक्त कभी पुलिस में किसी को लगवा दिया, कहीं मंत्रालय में किसी को क्लर्क बोल कर लगा दिया। और बहुत सारे बच्चों ने उस वक्त जिनको भी मैंने लोन लेकर दिया, तो रिक्शा का चलन उस वक्त बहुत सारा निकला था, ऑटो रिक्शा, तो ऑटो रिक्शा किसी ने कर दिया, किसी ने मूर्ति के कारखाने बना दिया, किसी ने अपना सलून वगैरह खोल दिया। तो इस तरह से हमारा वो सारा काम चल रहा था। तो लोगों में मेरी बहुत सारी मतलब अच्छी बातें चलने लगी कि इस लेडी ने बहुत अच्छा काम किया जो बच्चे लोगों को इस तरह से लाइन पे लगाया। तो समाज में जो भी समस्या आती थी लोग मेरे पास चले आते थे कि ये समस्या है मैडम हमारी दूर करवा दीजिए। तो इसी के कहा चलते हुए मेरे पास एक प्लॉट आया, जो प्लॉट में बहुत सारी मुश्किलें थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। गवर्नमेंट का एक सीलिंग एक्ट उसके ऊपर लगा हुआ था, एक कुल हमारे यहाँ महाराष्ट्र में बोलते हैं वो कुल लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो इंसान अपनी ज़मीन जो है वो बेच नहीं पा रहा था। और वो मेरे पास आया और कहने लगा कि मुझे सख्त ज़रूरत है 1,00,000 रुपए की, और मैडम अगर ये मेरी ज़मीन बिकवा देंगे आप तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, या फिर आप ही खरीद ले। तो मेरे पास भी इतने पैसे तो थे नहीं, लेकिन उस आदमी की जो ज़रूरत ही थी जिस वजह से वो बेचारा रो रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसकी कुछ हेल्प कर दे। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं 1,00,000 रुपए तो मैं दे देती हूँ कहीं से जुगाड़ करके, कुछ मेरे पास भी है ऐसे, और फिर हम लोग बाकी का जो 1,50,000 रुपये तुम्हारा 2,50,000 रुपए की बात हुई थी, बाकी 1,50,000 रुपए है जो हम बाद में दे देंगे। और उस वो आदमी ने मान लिया, उसको हमने 1,00,000 रुपया किसी तरह से दे दिया। जब देखा 7/12 तो उसके ऊपर वो सारा सीलिंग एक्ट लगा हुआ है, कुल लगा हुआ है, तो वो सारा क्लियर करने में करीबन डेढ़ साल निकल गया। उसको मैंने क्लियर किया और क्लियर करने के बाद में फिर मैंने सोचा कि अभी इसका क्या करेंगे, तो उसके लिए प्लान पास करके बिल्डिंग बनाएंगे। तो बिल्डिंग कैसे बनाएंगे क्योंकि मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं है, प्लॉट तो मेरे पास आ गया वो क्लियर हो गया, तो मैंने एक सिंधी को पार्टनर ले लिया जिसको 65% उसको देना है, 35% मुझे लेना है। इस तरह से मैं वहाँ पर जहाँ जिसकी जिस लड़की के पास मैं रहने के लिए मुंबई में घर नहीं था, जो दूसरों के पास में दूसरों के घरों में रहती थी, वो एक कंस्ट्रक्शन लाइन में आ गई, बिल्डर बन गई और बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया। लेकिन लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि एक दलित समाज की औरत आगे आ रही है, बिल्डर बन रही है। बिल्डर बनना आदमियों का काम है, औरतों का तो नहीं है, तो ये कैसे बन सकती है। तो उस वक्त कुछ लोगों ने मेरी सुपारी तक के दे दी गई कि इस औरत को मतलब क्योंकि ये बहुत ही आगे चली जा रही है, शायद ऐसे सोचा उन्होंने और इसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो उस वक्त कुछ प्लान बन गया, 5,00,000 रुपए में मेरी सुपारी दी गई। जिस वक्त ये बात हो रही थी उस वक्त कोई एक शुभचिंतक शायद उस मीटिंग में बैठा हुआ था, और जैसे ही उन लोगों की मीटिंग ख़त्म हो गई वो मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि मैडम आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से चले जाइए, आप अपने गांव चले जाइए, यहाँ बिल्कुल मत रुकिए। तो मैंने कहा भाई मैं गांव क्यों चली जाऊँ, अभी ये तो यही मेरी कर्मभूमि है, मैं तो ये छोड़कर नहीं जा सकती। कहने लगा नहीं आप जाइए, मैं जो भी सुन के आया हूँ, जो मैंने देखा है, तो बड़े ही खतरनाक लोग हैं, हमारे अपने खुद के हाथ जले हुए हैं, तो आप जाइए यहाँ से। मैंने कहा नहीं मैंने जाऊँगी नहीं, मुझे आप बताइए कि क्या माजरा क्या है। उसने कहा कि ठीक है मैं बता रहा हूँ लेकिन मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। मैंने कहा नहीं आएगा तेरा नाम। और फिर उसने मुझे बताया कि इस तरह से एक बात हुई है और आपको मारने की सुपारी दी गई है। तो मैं उस वक्त अगर मेरी जगह कोई और औरत होती तो शायद डर जाती कि मैं मरने वाली हूँ, शायद मुझे मार डालेंगे, तो चलो मैं गाँव ही चली जाऊँ। लेकिन मैंने गाँव जाने के बजाय सोचा कि मैं पुलिस के पास क्यों ना चली जाऊँ। और उस वक्त हमारे थाना में पुलिस कमिश्नर भुजिंगराव मोहिते डेसिंग डायनामिक कमिश्नर हुआ करते थे, मैं उनके पास गई और मैंने कहा कि आपके होते हुए ये कैसे हो सकता है कि हमारी नाम की सुपारी दी जा रही है वहाँ पर, और एक महिला जब कुछ करने आगे बढ़ती है तो इस तरह से उसको मार दिया जाता है, तो ये अच्छी बात नहीं। तो उस वक्त पुलिस कमिश्नर ने एरिया के DCP को बोला, DCP ने ACP को बोला, और इस तरह से उस गुंडाज को पकड़ा गया और मेरी उस वक्त की शायद मौत थी, वो टल गई। ठीक है, फिर मुझे आगे बढ़ना है, मैं बिल्डर बन गई, मेरी बिल्डिंग बन गई और इसी तरह से सिलसिला शुरू हो गया। दूसरी भी एक फिर मैंने ज़मीन खरीदी,
तो बिल्डर लाइन में मेरा काम अच्छे से चल रहा था. यहाँ पर मेरा जो 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 मैंने फर्नीचर का बिज़नेस किया था वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा था. लेकिन इसी के साथ साथ मेरा सोशल वर्क भी बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि लोगों ने फिर देखा कि ये लेडी जो है जो काम कर रही है काफ़ी अच्छा काम करती है. और ये काम करते हुए मेरे पास में एक कमानी ट्यूब्स लिमिटेड की एक बड़ी कंपनी जो 25 साल से बंद पड़ी हुई कंपनी थी, उस कंपनी के कुछ वर्कर्स मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मैडम आपसे रिक्वेस्ट है कि इस कंपनी को आप टेक ओवर कर लिए. तो मेरे लिए ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो इसका कोई गंध भी नहीं है, मैं नहीं जानती इंडस्ट्री क्या होती है, मैं कुछ नहीं जानती, तो मैं कैसे कर सकती हूँ ये सारा कुछ. लेकिन उन वर्करों का इतना विश्वास था मेरे ऊपर कि उन्होंने कहा कि नहीं मैडम, हम जानते हैं कि आप अगर मिट्टी को हाथ लगा दे तो सोना हो जाएगा. ये उनका विश्वास था और मुझे भी अपने आप पर विश्वास था ही कि मैं भी अगर कुछ करना चाहूँ तो मैं भी उसको सक्सेस कर ही सकती हूँ. तो मैंने उनसे कुछ टाइम मांगा कि ठीक है ओके, मुझे कुछ दिन का टाइम दे दीजिए, मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ. और मैंने खूब सोचा कि वैसे भी हम समाज के लिए काम कर रहे, लोगों के लिए काम कर ले, तो एक काम ही समझ लेते हैं, एक सोशल वर्क ही समझ के इनके लिए इनके लिए काम करते, इनकी हेल्प हो जाएंगी, और अगर सक्सेस हो गया तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं हुआ तो बिगड़ क्या रहा है. तो क्यों ना हम इनकी मदद करें, क्यों ना हम इनके लिए काम करें. और मैंने उनसे हाँ कह दी. जब मैंने हाँ कह दी, जब मैं वहाँ गई तो वो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि अगर आसान होता तो शायद बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते, लेकिन आसान काम में तो बहुत सारे लोग आ जाते, मुश्किल काम में कौन आएगा. तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं इस चैलेंज को स्वीकार कर लेती हूँ. तो वहाँ जब मैं गई तो पता चला कि 116 करोड़ रुपये का कर्जा है. आज करोड़ों की बात हम आसानी से कर लेते, 10 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़, पता नहीं कितने करोड़ बात फट से हो जाती है, लेकिन उस वक्त 1 करोड़ कहना भी मुश्किल था. और कंपनी के ऊपर 116 करोड़ रुपए का कर्जा था, 140 लिटिगेशन के केसेस थे और 2 बड़े यूनियन थे. तो इन सब से निपटना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन उन लोगों ने कहा कि नहीं आप ये कर सकते हो. और मैंने बहुत सोचा कि ठीक है करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है. मैं गई, मैंने देखा कि ये सारा कुछ हो सकता है. मैंने एक कंसल्टेंट नियुक्त किया, उस कंसल्टेंट से स्कीम तैयार किया कि किस तरह से हम ये सारा काम कर सकते हैं. और वो स्कीम को जब मैं वहाँ पर लेकर गई तो वहाँ एक बोर्ड था कंपनी में, उस बोर्ड में बीएफआर कोर्ट के अंदर मतलब कंपनी थी, इसलिए बीएफआर कोर्ट के एक डायरेक्टर थे. 5 बैंक के उसके ऊपर कर्ज थे, जिसके वजह से 5 बैंक के डायरेक्टर बैठे हुए थे. गवर्नमेंट ने भी उस वक्त, शरद पवार जी का उस वक्त सीएम हुआ करते थे वो महाराष्ट्र में, तो उस वक्त उस कंपनी को चलाने के लिए उन्होंने भी 70 लाख रुपए दिए हुए थे, इसलिए गवर्नमेंट का भी डायरेक्टर वहाँ पर था. तो इस तरह से, और यूनियन वर्कर्स, इन सारे डायरेक्टर वहाँ थे. मैं अपनी स्कीम वहाँ ले गई और जब उनको मैंने अपनी स्कीम दिखाई तो उन्होंने स्कीम तो देखी और उन्हें अच्छी भी लगी और कहने लगे कि ओके ठीक तो है, मगर मैडम अगर आप इस कंपनी को टेक ओवर करना चाहती है अगर, तो आपको आज अभी और इसी वक्त से हम नियुक्त करते हैं एज ए प्रेसिडेंट, आपको काम करना होगा डे टू डे के काम करने के लिए. यहाँ कोई भी नहीं है क्योंकि कंपनी सिख है, और यहाँ एक सादा क्लर्क भी नहीं है जो कोर्ट की नोटिस भी अगर आती है तो उसको जवाब दे सके, कोई लॉयर हायर कर सके, या इतने सारे पार्ट चोरी हो रहे हैं फैक्ट्री के तो उसके लिए कोई वॉचमैन दे सके, तो यहाँ कोई है नहीं. आज बोर्ड की मीटिंग है, आप आने वाले थे तो बोर्ड की मीटिंग है, तो हम बोर्ड डायरेक्टर, जो कोई कोर्ट का डायरेक्टर है, कोई बैंक के डायरेक्टर है, ये तो 1 रुपया डालने वाले अभी है नहीं है. तो आपको डे टू डे का खर्चा जो करना है आपको करना होगा. कंपनी आपको मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं पता है, कोर्ट आपको देगा नहीं देगा नहीं पता है, लेकिन आपको आज अभी और इसी वक्त से ये सारे खर्चे जो है वो करने पड़ेंगे, क्या आपको मंजूर है. मैंने कहा ओके मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं जब सोच के ही गई थी कि मुझे करना है तो फिर डरना किस बात का. मैंने कहा कि ठीक है मुझे मंजूर है. और उस दिन बोर्ड ने मुझे एज ए प्रेसिडेंट नियुक्त किया और बोर्ड में बैठने के लिए कहा, और कहा कि आज से ये कंपनी का सारा काम जो है वो आपको देखना पड़ेगा. और उस दिन से मेरा काम काज शुरू हो गया. लेकिन ये सारा करते हुए मैं कंपनी के डीप में जाके कि क्या मतलब तकलीफें हैं, क्यों ऐसा हो गया कंपनी के अंदर, क्यों 116 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया, ये सारा सोचने के लिए, देखने के लिए मुझे बहुत सारा वक्त मिल गया. और तब मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि कर्जा इतना सारा नहीं था. ये कर्जा जो इतना 116 करोड़ का हुआ है, इसके पीछे रीज़न ये था कि इंटरेस्ट और पेनल्टी बढ़ गई है. बैंक का जो कर्जा है, जैसे 5 करोड़ अभी एक बैंक ने दे दिया है, तो उस 5 करोड़ के ऊपर उसकी इंटरेस्ट और पेनल्टी इतनी सारी हो गई है, जिसकी वजह से 5 करोड़ का 50 करोड़ तक का हो गया है, क्योंकि इतने सालों तक
किसी ने उसका इंटरेस्ट ही नहीं दिया है, तो इंटरेस्ट और पेनल्टी पकड़ के ऐसा, तो ऐसा हर बैंक, हर गवर्नमेंट क्षेत्र के पैसे, मतलब इस तरह से वो 116 करोड़ का कर्जा था। तो फिर मैं ये सोचने लगी कि अगर इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ़ हो जाती है तो कर्जा तो इतना है ही नहीं है, ये 40-50 करोड़ तक क्या कर्जा हो जाता है, बाकी जो है वो सारा इंटरेस्ट और पेनल्टी है, तो ये माफ़ कौन कर सकता है, कौन कर सकता है ये सारा। तो इसकी मैंने बहुत सोचा कि बैंक के चेयरमैनों के पास जाएंगे, सोचा बैंक के चेयरमैन ने नहीं माना तो फिर क्या करेंगे, तो मैंने ये सोचा कि चलो फाइनेंस मिनिस्टर के पास चले जाते हैं, गवर्नमेंट के पास जाएंगे शायद वो कुछ कर लेंगे। और उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, आनंद अलसुड़ उनका नाम था, मैं उनके पास डायरेक्ट चली गई और उनको मैंने कहा कि एक कंपनी है जिस कंपनी का मतलब इतना बड़ा एक इतिहास है कि ऐसी कंपनी जो हमारे देश की पहली ऐसी कंपनी है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार मालिक को बाजू में करके वर्कर्स को मालिक बना दिया था, ऐसे सुप्रीम कोर्ट का पहला निर्णय हमारे देश की पहली ऐसी कंपनी थी जिसकी वजह से BFR कोर्ट नियुक्त हो गया, सी का एक्ट तैयार हो गया, और ऐसी एक ऐतिहासिक कंपनी की ये दुर्दशा हो गई है कि तीन कंपनियाँ थी जिसमें से दो कंपनियाँ लिक्विडेशन में चली गई है और एक कंपनी है ये भी लिक्विडेशन की नोटिस ऑलरेडी निकल चुकी है, और अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है तो ना किसी बैंक को पैसा मिलेगा ना किसी को मिलेगा, वैसा भी डूबने वाला है, तो क्यों नहीं आप मुझे इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ़ कर देते, अगर पैनल और इंटरेस्ट माफ़ हो जाता है तो एटलीस्ट आपको प्रिंसिपल अमाउंट तो मिल ही जाती है। तो मेरी बात शायद उन्हें सही लगी और उन्होंने ये सारे बैंक के मैनेजर को कह दिया, चेयरमैन को कह दिया, और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि ना सिर्फ पेनल्टी और इंटरेस्ट बल्कि जो प्रिंसिपल अमाउंट थी उसमें से भी 25% मुझे माफ़ कर दिया गया, जिसकी वजह से मुझे ये काम करना और आसान हो गया, मेरी हिम्मत बढ़ गई कि ठीक है अभी तो कर्जा आधा से आधा हो गया, अब इसमें मुझे काम करने में और भी बहुत सारी आसानियाँ हो गई, और जो दो यूनियन थी वो दोनों यूनियन को एक जगह लाने की मैंने पूरी कोशिश की, उनके कितने पैसे उनको देने पड़ेंगे उनके साथ में एग्रीमेंट हो गया, उन्होंने कहा क्योंकि वैसे भी मतलब वहाँ प्रॉपर्टी के नाम पर कुछ बचा नहीं था, क्योंकि सिर्फ जो कुरला में फैक्ट्री थी उस फैक्ट्री की लैंड भी इससे पहले जो वर्कर्स को दे चुकी थी सुप्रीम कोर्ट, तो इन लोगों ने दो मतलब 4 एकड़ की लैंड पर हमारी फैक्ट्री थी जिसके 2-2 एकड़ इन लोगों ने पहले ही मतलब किसी और को दे रखे थे, तो फैक्ट्री की लैंड तक हमारे पास नहीं थी, फैक्ट्री पर जितनी मशीनें थे उसके बहुत सारे पार्ट चोरी हो गए थे, तो फिर मैंने उस सारे फैक्ट्री के ऊपर ध्यान देना शुरू किया, वर्कर्स के ऊपर ध्यान देना शुरू किया, और 2000 से लेकर 2006 तक कंटिन्यू BFR कोर्ट के अंदर हेयरिंग होते गए, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं करते थे, जिसकी वजह से 2000 से लेकर 2006 तक ये सारा सिलसिला चलता रहा, लेकिन 21 मार्च 2006 को BFR कोर्ट ने मेरी स्कीम को पास किया और मुझे चेयरमैन बना दिया, और ये कंपनी मुझे दी गई, और फिर उसमें भी एक कंडीशन डाली गई कि 2011 तक आपको सिक्का से बाहर निकलना है, कंपनी को मतलब सारी कर्ज देने हैं और इसको फायदेमंद बनाना है, और फिर मेरा सिलसिला शुरू हो गया। यूँ समझिए ना, हमारे मराठी में कहते हैं कि तारावर्ची कसरत, और अगर हम हिंदी में बात करें तो आग का दरिया पार करने जितनी मुश्किलें थी, बहुत सारी मुश्किलें थी, इतनी मुश्किलें थी कि उसको धीरे धीरे जिस तरह से भी मैं जितना भी मैं काम करना चाहूँ उसको मैं ख़त्म करना चाहूँ, लेकिन काम थे कि ख़त्म तो होते नहीं थे, लेकिन और उसके अंदर नई नई बातें आने लगी, जैसे ही लोगों को समझने लगा कि ये तो मुश्किल नहीं था ज़्यादा, मतलब इतना सारा कर्जा भी आसान हो गया और मैडम तो बड़ी आसानी से कर रही, तो ये तो हम भी कर सकते, तो फिर क्यों नहीं, और फिर बहुत ऐसे लोग इन्वॉल्व होने लगे, ऐसे ऐसे लोग आने लगे, कभी तो कोई आके टेबल पे बैठ जाता था तो कहते था मैडम कभी खाली कर रहे हो ऑफिस से, कहा खाली कर रही हो, कैसे कह रहे हैं आपकी खाली कर रहे, नहीं नहीं आप सोच लीजिए, नहीं तो मुझे दादा को बुलाना पड़ेगा, कोई दादा की बात कर लेता, कोई भाऊ की बात कर लेता, पता नहीं क्या क्या। तो इस तरह से उस वक्त के लोगों ने बहुत सारी तकलीफें मुझे देने की कोशिश की, और मुझे मौत से कोई डर नहीं लगता था, इसलिए नहीं लगता था क्योंकि मौत से मैं बहुत पहले ही मिलकर आ चुकी थी, इसलिए डर नहीं लगता था, मैं ऐसे ही अपनी जान हथेली पर लेके ही चलती थी ये समझ के ही चलिए, क्योंकि ऐसा ही था मेरे साथ में, और इसीलिए मैं ये सारा शायद कुछ कर पाई, क्योंकि उस वक्त भी जब इन लोगों ने देखा कि ये जो दो एकड़ इन लोगों ने बेच दिया था वर्करों ने, तो जिसमें से जिसको बेच दिया गया था वो आदमी ने पता नहीं क्या कैसे मैनेज कर लिया, और पुलिस और पता नहीं कोर्ट और वो सारे लोग एक दिन हमारे फैक्ट्री के ऊपर तोड़ने के लिए आ गए, करीबन 150 पुलिस, शनिवार के दिन 150 पुलिस हमारे कंपाउंड के अंदर थी, 100 लोग इसी तरह से थे, उनको भी लेकर आए हुए थे, और हमारी फैक्ट्री के ऊपर बुलडोजर उन्होंने चला दिया, तो मैं थी नहीं, मैं कहीं
कहीं बाहर कुछ मशीनरी वगैरह देखने के लिए गई थी कि क्योंकि फैक्ट्री भी शुरू करना है, कोर्ट के और आदेश भी थे कि फैक्ट्री शुरू करना है, वर्कर्स को रोजगार देना है। तो इस सिलसिले में मैं बाहर गई हुई थी, तो मेरे वर्करों के मुझे फ़ोन आ गए कि मैडम हमारी फैक्ट्री को मतलब बुलडोज़र लाए हैं यहाँ। तो मैं, ऐसे कैसे हो सकता है, हमको बियाफर कोर्ट ने कंपनी चलाने के लिए दी गई हुई है, तो नीचे का कोई कोर्ट ऐसे ऑर्डर कर ही नहीं सकता, यहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कुछ गलत ऐसे हुआ है। तो उस वक्त आर पाटिल, आज तो नहीं है, तो वो मीन्स होम मिनिस्टर थे, और उनको मैंने फ़ोन किया और उनको मैंने कहा कि ये जो है बहुत तकलीफ हो रही है। तो होम मिनिस्टर ने सीपी को बात किया और कहा कि ये क्या हो गया, तो उन्होंने कहा उनके पास में कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर है। तो मैंने कहा कोर्ट की ऑर्डर उनके पास हो नहीं सकती, क्योंकि कोर्ट की ऑर्डर तो मेरे पास है, तो इनके पास कैसी कोर्ट की ऑर्डर हो सकती है। तो किस तरह से, मतलब आज भी हमारे यहाँ अगर हम देखते हैं समाज में, तो कुछ बातें किस तरह से मैनेज होती है, किस तरह से तकलीफें दी जाती है। अगर आपके पास अपनी हिम्मत है तो मेरे ख्याल से आप आगे बढ़ के काम कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ जाकर देखा, जब तो इन लोग बहुत सारे लोग वहाँ पर आए हुए थे, तो आर पाटिल ने वहाँ पर उनको आदेश, उन्होंने मुझे पूछा कि मैं क्या करूँ। मैंने कहा कि बस सिर्फ पुलिस का जो ये लगा हुआ है वहाँ पे, जो उन लोगों को ये देने के लिए आए हुए हैं, सिक्योरिटी देने के लिए आए, अगर ये सिक्योरिटी निकल जाती है तो मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है। और इस तरह से सिक्योरिटी को निकाल दिया गया। तो मेरी केस कोई कोर्ट में फिर लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उन्होंने जिस कोर्ट से ऑर्डर लाई हुई थी, सेट एंड साइट की जो ये लाई हुई थी, उनके पास जो ऑर्डर थी, तो हमारे यहाँ का लॉयर कोई हमारी केस लेने के लिए तैयार नहीं था। लॉयर ये कह रहे थे कि मैडम आपकी केस ऐसी है ना कि यूँ समझिए कि कोई चीज़, जैसे कि एक पेशेंट है वो मर गया, उसको दफन कर दिया गया, ये अभी आपका केस हो गया है, क्यों सेटेड साइट के ऑर्डर ऑलरेडी उसके पास में है, ज़मीन और फैक्ट्री सारा कुछ उसको दे दिया गया है, मतलब नीचे की कोर्ट ने ऐसे ऑर्डर किया। मैंने कहा मुझे ऊपर की कोर्ट के ऑर्डर है, तो नीचे का कोर्ट ऐसे कैसे ऑर्डर दे सकता है। तो ये सब करने के लिए मुंबई का कोई लॉयर नहीं था, अगर कोई होता तो वहाँ शायद फिर हिम्मत हार जाता, लेकिन मैंने कलकत्ता के वकील को वहाँ पर बुलाया कि नहीं यहाँ पर आप देखिए कुछ करना पड़ेगा। और उन लोगों ने काफ़ी मेहनत की, 8 दिन तक वहाँ पर बैठ कर स्टडी की, और उनको पता चला कि यहाँ कुछ कर सकते हैं। फिर हमारे बॉम्बे के एक वकील को उन्होंने पकड़ा और उन्होंने कहा कि साहब ये डाल दीजिए अपील के लिए, और हाईकोर्ट में हम लोग गए और हमको 8 दिन का स्टे वहाँ पर मिल गया। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो कहा था कि आपका मुर्दा जो है वो मर गया है, दफन हो चुका है, अब क्या होगा, तो मेरा मुर्दा ना सिर्फ मर गया है बल्कि कोमा से भी बाहर निकल आ गया, क्योंकि मुझे 8 दिन का स्टे मिल गया। और फिर 8 दिन के स्टे के बाद में हम लोग गए, 6 महीने का स्टे मिल गया, और जिन लोगों को ज़मीन बेची थी वो लोग आखिर में मेरे पास बैठे और उन्होंने मेरे साथ सेटलमेंट किया। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारा कुछ करना पड़ता है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने 2011 जो कोर्ट ने मुझे टाइम दिया था कि 2011 में आपको सिका से बाहर निकलना है, मैं 2011 से मैं ही सिका से बाहर निकली, और मैंने करके दिखा दिया कि एक सिक यूनिट, आज सिक यूनिट ना होते हुए आज करोड़ ऑफ रुपीज़ की कंपनी, जो जहां एक लड़की ऐसी जो 2 रुपये रोज से अपना काम जिसने स्टार्ट किया, आज हज़ारों करोड़ के काम कंपनी की मालकिन है। तो बहनों और भाइयों, वक्त बहुत कम है, स्टोरी बहुत लंबी चौड़ी है, मैं जब बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी, मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि अगर हम अपनी हिम्मत, मेहनत, सच्ची लगन से काम करें और अपने आप पर विश्वास, एक ऐसा विश्वास किया मैं कर सकती हूँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है दुनिया में, कुछ भी मुश्किल नहीं, अगर आपने तय कर लिया कि आपको ये करना है तो आप कर ही सकते हैं। मुश्किलें तो आती है ज़िंदगी में, आसान क्या है बताइए ना, कुछ भी आसान नहीं है। अगर हम रोटी भी सेकते हैं ना तो वो भी आसान नहीं, वो भी हमारे हाथ जलते हैं, है ना, जलते हैं ना रोटी बनाते हैं। तो हमारे मराठी में हमारी एक वहाँ की कहावत है कि आधी हाथाला चटके मग मिलते भाकर, तो हाथ को चटके लगे बिना रोटी तक के नसीब नहीं होती है। तो इतने बड़े काम में जब उतरना है तो मुश्किलें कितनी आएगी, बहुत सारी मुश्किलें हैं, लेकिन मुश्किलों को पार करते हुए जो आगे बढ़ जाए वही मेरे ख्याल से इंसान है। और आप अभी बिजनेस में आए हो, आपके लिए बहुत बड़े बड़े मतलब स्कीम निकले हुए हैं। आज हमारी गवर्नमेंट मोदी जी ने इतने अच्छे अच्छे सारे स्कीम निकाले हुए, स्टार्टअप इंडिया है, मेक इन इंडिया है, आज अभी भी मैंने भी मेक इन इंडिया में 1100 करोड़ का एक प्रोजेक्ट अपना डाला हुआ है, हमारे CM के साथ में मैंने खुद अभी साइन की है मेक इन इंडिया में। तो कहने का मतलब यह है कि मैं सिर्फ एक सिक कंपनी के लिए रुकी नहीं हूँ, अभी मुझे एक 5-स्टार होटल करना है, बैंगलोर में अभी मेरा बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो बहुत कुछ
आपके लिए आसान है, आपके हाथ में स्मार्टफोन है, उठा लीजिए देख लीजिए कितने स्कीम चल रहे हैं गवर्नमेंट के, तो इतना आसान है। मेरे लिए तो ऐसा था ना कि रेत के ढेर में ढूंढना था चिंगारी कहाँ पे है। तो जब मैं एक, मेरे पास कोई एजुकेशन भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई रास्ता नहीं था, कोई बताने वाला भी नहीं था कि इस रास्ते पे चलेगी तो तुझे ये सब कुछ मिलेगा, ऐसा भी नहीं था। उसके बावजूद मैंने अपने रास्ते चुने, हर मुश्किलों का सामना किया और हर मुश्किल का सामना करते हुए आज यहाँ तक पहुँच के आपके सामने खड़ी हूँ। तो आपके लिए बहुत आसान है मैं समझती हूँ, सिर्फ आपके दिल की तैयारी कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए और आगे बढ़िए। देखिए रास्ते सब आपके सामने हैं। थैंक यू वेरी मच। कल्पना जी आप एक मिनट स्टेज पे रुक जाइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप एक मिनट रुक जाइए। आई रिक्वेस्ट वन ऑफ द लवली वॉलंटियर्स टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड प्रेजेंट कल्पना सरोज अ मोमेंटो थैंकिंग हर ऑन आवर बिहाफ। कल्पना जी यू आर अमेजिंग। मुझे इतनी अच्छी तरह हिंदी नहीं आती मगर मैं कोशिश करूँगी कि मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ। आई थिंक एक क्वेश्चन हम ले सकते हैं ऑडियंस से, हमारे पास वक्त कम है तो एक क्वेश्चन लेंगे। मैडम आपकी तो सवेरे ही बार आ गई। एनीबडी एल्स वन क्वेश्चन? वेल देन ऑल योर्स। कल्पना जी आपने बताया कि बहुत सारी मुश्किलें आई आपके जीवन में, आपने उन मुश्किलों को पार किया, तो इस पूरे संघर्ष में कोई ऐसा व्यक्ति या कोई रोल मॉडल या जिसको कहते हैं आपका रोल मॉडल होता है जिसके बारे में आप सोचते हैं, ऐसा कोई लीडरशिप पर्सनालिटी जिसको देख के आपको मोटिवेशन मिलती हो? मेरे जीवन में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर रोल मॉडल रहे, क्योंकि मैंने देखा कि वो ऐसे इंसान, एक ऐसा स्टूडेंट्स, हमारे लिए तो इतनी बड़ी मुश्किलें नहीं रही, जितनी मुश्किलें उनके साथ थी, उनके ज़माने में थी, उसके बावजूद हर मुश्किल का सामना करते हुए आज ना सिर्फ भारत देश के बल्कि विश्व के वो लीडर कहलाएंगे। वह उन्हीं का मतलब मार्गदर्शन, उन्हीं के विचार पढ़ते हुए सुनते हुए मैंने अपने आप को बनवाया। थैंक यू सो मच कल्पना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।